मैं भवानी सिंह शेखावत, संयोजक राजस्थान युवा मंच। मित्रों, ये लोग जो ओडो के रैन बसेरे में आप लोगों को दिख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के पूना शहर से तकरीबन 55 लोग जो हैं, जिनमें बहुतर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। ये लोग जैसे दूसरे लोग मजदूर पलायन कर रहे थे अपने अपने गाँव की ओर जाने के लिए, उसी तरह से इन लोगों ने भी अपने गाँव में जाने के लिए वहाँ से रवाना हुए थे। लेकिन बीच में ही अहमदाबाद के हाईवे पर इन लोगों को गुजरात के प्रशासन ने पकड़कर यहाँ ओडव के इस सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया था। देखिए, ये मजदूर लोग हैं और मेहनत कश लोग हैं, तो सरकार के द्वारा समुचित व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन इनके तक इनकी जो ज़रूरतें हैं, बच्चों की जो ज़रूरतें हैं, महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं, वो सारी व्यवस्थाएँ नहीं हो पा रही थी। तो राजस्थान युवा मंच और मुझ तक ये खबर जब पहुँची, तो हम लोगों की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों की कैसे हम मदद कर सकें। तो उस मदद के हेतु हम लोग यहाँ तक पहुँचे और इन लोगों की जो सुचारू व्यवस्था हो सकती है, वो व्यवस्था में हम लोग यहाँ इनके सहयोगी हैं। राजस्थान युवा मंच और हमारी जो पूरी टीम है, वो इन लोगों तक पहुँची है। इसके सिवाय हम गुजरात की सरकार और राजस्थान की सरकार से भी ये गुहार लगाना चाहते हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन लोगों में ज़्यादातर छोटे बच्चे, महिलाएँ और बुजुर्ग हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा सके कि जिससे इन लोगों को उनके गांव तक पहुंचने की व्यवस्था हो सके, वैसी परमिशन, क्योंकि इन लोगों का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो पूरा हो चुका है। अब इनके अंदर ऐसा कोई भी पॉजिटिव केस, क्योंकि यहाँ नगरपालिका की आरोग्य की टीम भी इन लोगों को चेक कर रही है और यहाँ हाजिर भी हैं, तो अगर इन लोगों में ऐसा कोई इन्फेक्शन की मात्रा नहीं है, तो इन लोगों को अपने गाँव तक, अपने घरों तक पहुँचाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, ऐसी हम लोगों की विनंती है। हाँ नमस्कार सर, मैं मणिराम बोल रहा हूँ। मैं पुणे से आ रहा था, अपने सब बच्चे, वो सब फैमिली वाले सब साथ में, जोड़ीदार भी साथ में, हम सब एक गांव के करीब करीब दो तीन गांव के नज़दीक के लोग हैं, वहाँ भी सब हम एक साथ में रह रहे थे और अपने गांव के लिए जा रहे थे। तो बीच में हमारे को यहाँ अहमदाबाद रोक दिया गया। अभी हम अहमदाबाद में 31 मार्च को यहाँ पहुँच गए थे, 31 मार्च से अब तक यहाँ पर है। और जो भी है, अभी वो हमारे सब लोगों की इच्छा यही है कि घर पे पहुँच जाए। घर वाले भी सब लोग के परेशान हैं, उन लोगों को भी चैन नहीं आ रही है। हम हमारे गांव जगह पर रह जाते तो भी हमारे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो हम जगह पर भी नहीं रह पाए और घर पे भी नहीं पहुँच गए। बीच में अभी रुकने की वजह से यहाँ अहमदाबाद में ऐसी जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ यहाँ बीमारी भी ज़्यादा फैल रही है और वो सब परेशान है। इसके लिए सर, जो भी हो सके, कोई भी मदद कर सके, गवर्नमेंट, सरकार, कोई भी जैसे भी हो सके, हम हमारे गांव पर पहुँचेंगे तो हम उसके बहुत आभारी रहेंगे सर। दिक्कत तो सर वैसे जो हो रहा है वो तो खाने पीने का दो टाइम पूरी व्यवस्था तो नहीं हो रही है, पर जो हो रही है वो बच्चों की नहीं हो रही है। अभी वो भवानी सिंह जी ये साथ में पहुँचे हैं, इन लोगों ने अभी मदद के लिए भी आगे आए हैं, अभी आज ही परिचय हुआ है उनसे। फिर भी ये इच्छा और वो व्यवस्था की कुछ हम चार दिन और भूखे रह जाएंगे, वो बात हमारी प्रॉब्लम नहीं, हमारी मेन प्रॉब्लम है हम हमारे घर पे पहुंच जाए। मेरा नाम जयराज सिंह वाघेला है, यहाँ का इंचार्ज हूँ। यहाँ ये 30 दिन के लिए लॉकडाउन पे निकले थे, तो रास्ते में रुकवा दिया कि लॉकडाउन में निकले थे तो उनकी फर्ज बनती है कि लॉकडाउन में मत निकले। लेकिन यहाँ रेन बसेरा साबर सेवा ट्रस्ट के जो भी सेवा होती है, तो सुबह नहाने धोने का, खाने पीने का, सुबह शाम करुणा ट्रस्ट, कर्नाटक अक्षय पात्र द्वारा खाने पीने का सब व्यवस्था तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है, इस लोगों को जाना है, लेकिन यहाँ लॉकडाउन है, जो सरकार नियम जब करेगी वो तो देना ही पड़ेगा। अब डिस्टेंस बनाकर रखो, घर में रहो, सेफ रहो।